का जो वीडियो होने वाला है वो फोर व्हील के लिए स्पेशल टूल जो यहाँ पर हमारी दुकान में समाने वाले नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 150 जो स्पेशल टूल है उसका पूरा वीडियो, डेलीगेटेड वीडियो हम डालने वाले हैं। और आज का डेट मैं आपको बता दूं, 25 जनवरी 2023 आज का जो वीडियो है उसका ये डेट है। और आज का जो रेट लगेगा वो आप उस हिसाब से ही हमें कॉल करिएगा। और हमारे पास जैसे हमारे बहुत सारे व्यूअर हमें कहते हैं कि यहाँ पर आपके यहाँ बजाज फाइनेंस चलेगा, ईएमआई चलेगा, तो हमारे व्यूअर्स को बता दूँ हमारे यहाँ सारे क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको ईएमआई मिल जाएगा, बजाज फाइनेंस के ऊपर आपका ईएमआई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमें गुजरात के बाहर से कॉल करते हैं कि भाई यहाँ पर हम आपको कैसे हमारा सामान आपकी टूल से कैसे हम मंगा सकते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आपको हमें 30% पेमेंट एडवांस में करना पड़ेगा क्योंकि हम आपके पास जो सामान भेज रहे हैं उसके अंदर हम बहुत ही भारी लॉजिस्टिक चार्ज पे करते हैं। और जब आपका सामान हमारे पास रिटर्न आता है तो उसके अंदर हमको डबल नुकसान होता है। अभी तक जिन व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का वीडियो शुरू करते हैं हम फैजल भाई के पास जाके, उनसे हम पूछेंगे कि आज का उनका क्या प्रोग्राम है और क्या लेके आए हैं वो। तो चलिए चलते हैं फैजल भाई के पास। कैसे हैं फैजल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, आप? और ये हमारे हसन भाई। और क्या बताने वाले हैं आज? आज अरुण भाई मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ स्पेशल जो ऑटोमोटर की बहुत बड़ी रेंज है जी, जो मैं यहाँ पे दुकान पे नहीं दिखा सकता जी। मैं आपको मेरे वेयर हाउस पे लेके जाऊंगा। ओके। वहाँ पे तकरीबन 300 से 400 पेटी हर गाड़ी का अलग अलग है, अलग अलग, और वो बड़ा वेयर हाउस है, वहाँ पे मैं आपको जाके दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग वेयर हाउस पे चलते हैं। प्राइस वगैरह भी सब उसमें बताया हमने। ओके ठीक है, कोई बात। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं फैजल भाई के वेयर हाउस पे। आ जाइए सब, आ जाइए, हमारे व्यूअर्स को भी हम लेके साथ में चलेंगे। दोस्तों चलिए ये देखिए माल। ओहो, ये मैं दिखाने वाला आप सबको। ये कितनी पेटी है? ये तकरीबन मेरे हिसाब से 200-250 पेटी होगा। अरे ये तो लाखों का माल है, करोड़ों का माल है, और फिर भी अभी रखने का जगह नहीं, और इसको मैं बिछा के दिखाने वाला था। ये कमरा छोटा पड़ रहा है जी। और ये वो माल है जिसके लिए लोग एक एक महीना वेट करते अलीबाबा पे ऑर्डर देके। क्या बात कर दे, तो भी उनका काम नहीं होता है। माल किसी का अलीबाबा पे ऑर्डर दिया, माल आया और सही माल भी जाम कर गया। सही है, सही है, लेकिन फिर भी उनका काम इतना रुका रहता है कि उनको एडवांस पेमेंट भेज के माल मंगाना पड़ता है। तो ये वो माल अभी है। सब जो नवी जो टेक्नोलॉजी की जो गाड़ी आई है वो सारी पेटी आपके पास अवेलेबल है? मेरे हिसाब से सब आ चुका है, सब आ चुका है। और आपका कोई भी गाड़ी का रिक्वायरमेंट हो मेरे पास सब देख सकते हो, रेडी स्टॉक में पड़ा है, रेडी स्टॉक में पड़ा है। और ये ऐसा इतना सारा माल आपको और इतनी सारे स्पेशल टूल आपको हिंदुस्तान में कहीं देखने को भी नहीं मिलेगा। ये आप ओनली वेबसाइट पे और बड़े बड़े गूगल के ऊपर जो सर्च करके देखते ना, बस वहीं पे और कैटलॉग के अंदर लोग सिर्फ इसको बता दे। हम आपको लाइव में बता रहे हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी है। और ये एक एक पीस नहीं है, एक एक पेटी के 5-5 पीस है हमारे पास। ये मेरा पूरा 5 माले का गोडाउन है। भाई जो ऐसे हमारे व्यूअर्स है जिनके मन में शंका रहती है कि हम अगर एडवांस पेमेंट करेंगे या वो यहाँ पर नहीं आ सकते, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स तो ऐसे हैं जो दुकान पे शॉप करके और दुकान की विजिट करने के बाद खरीदते ही है, मगर कई सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आ नहीं सकते, उनको भरोसा करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि ये सारा सामान हमारे पास रेडी स्टॉक में पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, अभी मैं आप लोग सबको एक एक पेटी का अनबॉक्सिंग करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ। ओके तो अभी मैं आप लोग को पहले ये पेटी से स्टार्ट कर रहा हूँ जी। ये जो छोटा सा जो ब्रेक कैलिपर किट है, ओके, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दो साइज में आता है। ओके। एक ये छोटा साइज में जी, जो रनिंग जिसका गाड़ी का काम रहता है, और ये प्रीमियम गाड़ी का जो काम रहता है, ये आपका देख सकते हो ये सब आ चुका है। ये राइट लेफ्ट यहाँ से आपका जो ब्रेक का जो कैलिपर दबाते हैं, अभी मैनुअल लोग कैसे यूज करते हैं, जो सी क्लैंप रहता है ना, सी क्लैंप और पेचिया लगा के बेचारा पूरा ताकत लगा के करता है लेकिन नहीं दब पाता है। बराबर। उसके लिए आपका जो भी गाड़ी आया, जैसे कि अभी आपका ऑडी आया, अभी ऑडी के अंदर ये तीन गाड़ी रहता है, ये अभी ऑडी गाड़ी आया, इसके अंदर लगा दिया आपने, इसको ब्रेक टाइट कर दिया, कैलिपर आपने दबा दिया, कैलिपर खुल भी जाएगा और दबा टाइट जाएगा।
ये दोनों काम इसमें हो जाएगा। देखिए आपकी सबसे पहले ब्रेक कैलिपर की रनिंग वाला पेटी, ठीक है, ये इनर या आउटर दोनों साइज आ गया, और ये बड़े वाला साइज का पेटी ब्रेक कैलिपर किट का। ओके, इसमें एक्स्ट्रा सामान सब आ चुका है, इसमें जो एलएनकी वगैरह जो वहां से स्पिन करता है कितना लोग उसको काम में लेते हैं, ये वो भी पूरा आ चुका है। ये मार्केट में एक्स्ट्रा में आपको कहीं नहीं मिलता, पूरा सेट ही मिलेगा जी, पूरा सेट ही मिलेगा। और दूसरी बात, ये मेरे को जितना नॉलेज है मैं उतना समझा रहा हूँ जी, जो जो मेरे से ज्यादा जो टेक्निकल बंदा वो यूज कर सकता है, ताकि कोई कमेंट मां नहीं बोले कि इसमें ये गलत नहीं बताया, ये नहीं बताया, मेरा जो मेरे को जितना नॉलेज है मैं उतना समझा रहा हूँ, ठीक है जी। अभी ये जो आइटम है ना, ओके अरुण भाई, हाँ, ये डीजल कंप्यूटर टेस्ट किट बोलते हैं। अभी ये ट्रक से लेके आपका फोर व्हीलर से लेके सब गाड़ी के अंदर जरूरत देता है जी। अभी आपका डीजल कंप्यूटर टेस्ट, आपका जो कहाँ से कंप्यूटर लीक हो रहा है, आपका फॉल कहाँ पे, ये आप ये ले लोगे पूरा पेट, डीजल कंप्यूटर का पूरा किट आ गया है। ओके, ठीक है, इसके अंदर आप देखो नदी से दिखा दो, ये पूरा बीट आ चुका है इसके अंदर, सारी गाड़ी का सारे आटे का, कोई भी गाड़ी आपकी छूटेगी नहीं इसमें, टाटा हो या भारत बेंज हो, सब आ गया, ट्रक भी आ गया और फोर व्हीलर भी आ गया, फोर व्हीलर भी आ गया, ठीक है। हाँ, ये डीजल कंप्यूटर टेस्ट किट है, और ये है ये वाली पेट्रोल कंप्यूटर टेस्ट किट। ओके, ये फ्यूल जो बोलते हैं ना पेट्रोल कंप्यूटर टेस्ट किट में आती है, ठीक है, ये पेट्रोल में उपयोग में आएगी जी, पेट्रोल, ठीक है। और ये वाला भी एक मॉडल है, ये वाला भी पेट्रोल गाड़ी के अंदर यूज में आता है। ओके, ये जिनका बजट कम है उनके लिए छोटी भी है? नहीं, ये एक्चुअली पेट्रोल काम के लिए, पेट्रोल डीजल वाले डीजल के लिए थी। अच्छा, डीजल का अलग है, पेट्रोल का अलग है। ओके, ठीक है, इसमें भी सारे सब ये हार्डनिंग के वाले एडाप्टर दिए हुए हैं, सीआरवी मटेरियल जी, हैवी ड्यूटी, एक बार लेने के बाद आपका सालों साल चलेगा जी। ये डबल मीटर क्यों दिया है इसमें? ये सर, ये सिलेंडर लीकेज टेस्ट किट बोलते हैं इसको। ओके, जिसका पेट्रोल भी आ गया और डीजल भी आ गया, ये अगर ये ले लेगा तो उसका सिलेंडर का जो कहां से लीक है वो बता देगा, ठीक है, डबल मीटर वाला, ये डायरेक्ट कंप्रेसर में लगेगा आपका, एक कंप्रेसर का इनलेट का पाइप यहां पे आएगा, ये पाइप यहां पे लग जाएगा इसे। ओके, यहां पे लग गया, आपका एडाप्टर आ गया वहां पे लग गया, यहां पे जो आपका फोल्ड है पूरा यहां पे बता देगा, बता देगा कहां कौन से सिलेंडर में लीक है, सिलेंडर कंप्रेसर लीक टेस्ट किट है, 30 के डीजल, ठीक है। बाकी तो जो मैकेनिक भाई होंगे उनको आइडिया होगी जी, जिन्होंने इसके अंदर सालों साल दिए हुए हैं, ये क्या, इसके अंदर जो प्रोफेशनल कारीगर होगा उसको सब पता रहेगा ये चीज क्या है, क्या है। या अभी ये जो आइटम है ना, स्टेयरिंग पुलर है, स्टेयरिंग पुलर, ये स्टेयरिंग का जो अभी जो अलाइनमेंट का जो काम करते हैं उसके भी काम में आएगा, और ऑटोमोबाइल के अंदर जो गैरेज का भी जो काम करता है उसके भी काम में आएगा ये आइटम, ठीक है। ये देख लीजिए, आप पास से दिखा दीजिए, ये सब जात का ये आ गया, इसके अंदर सारे जात का बोल्ट आ गया, ये सब जात का आ गया, जो भी साइज का आटा है वहाँ पे लगा दिया, अपना पूरा स्टेयरिंग आपका बाहर है, ठीक है। हर गाड़ी का अलग अलग नहीं है, एक फीट के अंदर कोई एक सा प्रोडक्ट और एक सा काम आपका कंप्लीट उसमें हो जाएगा जी। अभी ये जो आइटम है ना, ये पोलो वेंटो का टाइमिंग किट है पेट्रोल गाड़ी का। ओके, अभी इसके अंदर मेरे पास तकरीबन 100 पेटी होगा, हर गाड़ी का अलग अलग। अच्छा, वो मेरे पास रेडी स्टॉक में पड़ा रहता है, ये पोलो वेंटो का टाइमिंग किट है, ये मीटर के साथ आएगा, मीटर के साथ आएगा पेट्रोल गाड़ी के लिए। ओके, ठीक है। और ये है मेरे पास BMW का टाइमिंग किट। ओके, BMW में जो N45 N46 वाला जो सीरीज आता है, ये वाला टाइमिंग किट है, देख सकते हो आप। ओके, ठीक है, ये भी पूरा हार्डनिंग किया मटेरियल है, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक है ब्लैक वाला, ये मेटल पूरा, सारी चीजें हमारे यहाँ मेटल में मिलेगी आप। और ये वाला पेटी देखिए, ये क्या चीज है, लगभग अभी तक किसी के पास अवेलेबल नहीं होगा, नहीं है, नहीं ये BMW का N51 N53 N54 N55, ये मॉडल का नंबर है जी BMW की गाड़ी का, ये वाला टाइमिंग किट आप देख सकते हो। देखिए भाई, ये पूरा मेटल, ये देखिए आप, पूरा मेटल है, पूरा मेटल है, देख लीजिए आप, इतने जितनी महंगी गाड़ी उतना महंगा सामान भी है भाई, ये BMW का टाइमिंग किट है। ओके, और एक बार मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, आपको कोई भी चीज का रिक्वायरमेंट है ऑटोमोबाइल में स्पेशल करके एक बार किंग टूल में कांटेक्ट करो, कांटेक्ट कर जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो मैं सेटिंग करा के आपको दे देंगे। ये वीडियो के अंदर से कोई भी चीज आपको मंगवाना हो तो उस वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पे आप कांटेक्ट करो। एक्चुअली क्या ना करके बोलते कि भाई मेरे को वो चाहिए, अरे भाई वो चाहिए तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? मुझे बताओ ना, कि आप बोले आपने जो रेड वाली पेटी दी दिखाई, वो बहुत सारे रेड, कितनी सारी रेड वाली पेटी है, आप उसका स्क्रीनशॉट भेजो, मैं उसका प्राइस देता हूँ, दे दो। ओके, जो वो टाइम पे करंट प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा। एक ये वाला पेटी देखिए, ये ऑडी की टाइमिंग किट है, ऑडी गाड़ी में, ऑडी गाड़ी, ठीक है। अब ये ऑडी के अंदर दो तीन मॉडल आता है, मॉडल का नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके अंदर लगता है, ठीक है, उसके अंदर लग जाएगा जी। ये ऑडी गाड़ी का टाइमिंग किट है, आप एक बार देख सकते, दिखा दो, ठीक है। और ये अभी ये भी ऑडी गाड़ी का टाइमिंग किट है। ओके, अभी जो जो प्रीमियम Q3 Q4 वाला जो मॉडल रहता है ना, वो गाड़ी का टाइमिंग किट है, ऑटो जेट जो सब आते हैं, सब गाड़ी का, ये देखो ये पूरा एडजस्टेबल हो गया ऐसे। ओके, एक एक पेटी के अंदर आपके 3,000 गाड़ी कवर हो ही जाएगी, 100% टाइमिंग किट, ये पूरा
पूरा मेटल का बनाया हुआ है, ये पूरा एडजस्टेबल होगा, देखिए। ओके ठीक है, ये ऑडी गाड़ी का टाइमिंग है। तो फर्स्ट में एक स्पेशल आइटम ये भी दिया है, M14 का जो सॉकेट बोलते ना, CRM मटेरियल वाला, ब्लैक वाला मटेरियल वो भी दिया है, ठीक है। ये आ गया, तो ये जो आइटम है ये भी हमारा सिलेंडर कंप्यूटर लीक टेस्ट में आता है, और ये जो अपना जो मीटर का कहां से जो लीक है वो बताएगा। ओके, एक जो पहले बताया वो चीज न्यूमेटिक से यूज होगा, हाँ, और ये अलग को भी आप न्यूमेटिक और मैनुअल दोनों से यूज होगा, ठीक है। ठीक है, क्या चीज आ गई, ये भी ओडी का टाइमिंग किट है, टाइमिंग किट है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि 100 गाड़ी का ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, अभी आपका कौन सा ऑफर्ड गाड़ी आ गया आपके पास पड़ा है जो आपसे काम नहीं हो रहा, उसका किट नहीं मिल रहा है, तो ये आप किंग क्रूज में कॉन्टेक्ट करोगे तो हमारे पास मिल जाएगा। आप देखिए इसमें कितना छोटा छोटा सा बारीक काम, अभी ये क्या वहाँ पे लॉक करता है, अभी जिसके पास ये पूलर नहीं रहता वो लोग क्या करते हैं एलएनके से लॉक कर दिया, वो एलएनके से एक बार में हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो 2 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है, सही, और टाइमिंग परफेक्ट नहीं मिलता है। ये किट लिया उसके साइड पे बिठा दिया आपने तो ये पूरा काम परफेक्ट जी हो जाएगा। ओके, जो हमारे जो बड़े बड़े वर्कशॉप खोलने वाले हैं या वर्कशॉप में ऑलरेडी जिनके चालू है उनसे हमारे फैजल भाई रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप एक बार किंग टू सूरत के ऊपर आप एक बार विजिट कर लो, आप यहाँ पे हमारा एरिया देख लो, आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा, आने जाने का खर्चा होगा, हमारा जो एरिया है यहाँ पर आपको लॉज होटल वगैरह सब चीज यहाँ पे अवेलेबल, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है हमारा शॉप सूरत गुजरात के ऊपर, तो एक बार आप जरूर शॉप पे विजिट करें। और दूसरी बात, आपका जो भी व्यूअर्स आता है हम उसको डिस्काउंट देते हैं जी, और जो भी बोलते हैं हम यूट्यूब पे देख के हम उसको स्पेशल डिस्काउंट देते हैं, और हमारे पास आने में उसको बेनिफिट ये रहेगा कि उसका भाड़ा जो भी है होटल में भी रुकेगा उसका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, वसूल हो जाएगा, क्योंकि उसका जो टूल्स वहाँ पे जो 10,000 में मिलेगा हम वो टूल 6,000-5,000 में अरेंज करा के देते हैं, मेरे पास वो क्वालिटी है, सही, ठीक है। ठीक है, अभी ये देखिए एक ये आइटम है, अभी ये स्पेशल जो हेड का जो काम करता है, हाँ, जो रिपावरिंग वाला का जो काम रहता है, इसको वॉल शीट कटर बोलते हैं। ओके, अभी ये मेटल का जो बड़ा बड़ा देखा अभी ऑल्सो दिख रहा है, हाँ, ऑल्सो, ये ऑल्सो टाइप है, अभी जो उसका जो शीट कटर करने का रहता है ना, हाँ, यहाँ पे लगेगा ऐसे, एक मिनट, ये एडेप्टर दिया हुआ है, हाँ, इसको लगा के सब इसके अंदर होल दिया हुआ है, क्या बात, अभी इसके अंदर ऐसे लग गया, लग गया। अभी आपको जो मेटल का जो सीट काटना है ना, अभी मैं इसको यहाँ पे घुमाऊंगा तो पूरा पेटी काट गया, देखो मार्किंग हो गया, हाँ हाँ हाँ, देखिए सही, इसको पूरा ये देखिए देख लीजिए आप क्वालिटी कितनी, अरे और CRB मटेरियल है सब में CRB मटेरियल है, ठीक है। चलिए ये नया कुछ आ गया है हमारे पास, अभी सब नया दिखा रहा हूँ, नया ही है सब, नया ही है। अभी ये है ऑयल वेस्ट कलेक्टर बोलते हैं इसको, जो ऑयल का जो गेट का डूट खोलते हैं ना, अभी इसके अंदर आप मार्केट में जाओगे तो खाली आपको 8 और 10 का ही मिलेगा। ओके, जो दूसरा जो रहता है उसके ऊपर हथौड़े छीनी से जुगाड़ कराओ, एक बार नजदीक से दिखा दो, इसमें 3.8 का भी आ चुका है, 8mm, 9mm, 10mm, 12, 14, 17 और इसमें 3.16, 3.8, 11mm, 13mm, ये आपका ऑयल का ड्रेन का जो नट खोलते हैं ना उसके काम में आता है। दोस्तों ये खास बात मैं आपको ये बता दूं, अभी जो नई नई गाड़ी होती है ना उनकी मोनोपोली होती है, और वो ऐसी ऐसी बारीक चीजों के अंदर वो अपनी मोनोपोली रखते हैं, जैसे कि यही चीज मैं आपको बता दूं कि ये दिखते में बहुत छोटी सी नट है मगर इससे क्या होगा, आप बाहर ऑयल चेंज नहीं करवा सकते, अगर ये आपके पास होगा तो आप कोई सी भी गाड़ी का उसका ऑयल चेंज कर सकते हैं, लग जाएगा जी, उसके बाद आप ताकत लगा, ताकत लगाओ, मार्केट में 2 पीस मिलेगा पूरा किट में, बस किट में मिल जाएगा। और ये क्या आ गया, ये बहुत ही सुपर आइटम है, यस, ये जो आइटम है ना, ये अपना जो गियर बॉक्स में ऑयल डालते हैं जी, ATF ऑयल बोलते हैं, हाँ, जो गियर बॉक्स में डालते हैं ऑयल जी, अभी बेचारे लोग जुगाड़ में क्या करते, कोई हैंड वाला बना देता है, कोई इंजेक्शन में भर के कस्टमर के सामने सब पूछ करता है, लेकिन वो सब इंप्रेशन नहीं पड़ता, अच्छा नहीं पड़ता आपका, भले से कितना बड़ा वर्कशॉप है लेकिन आप सिस्टम से नहीं चलोगे तो कस्टमर आपकी दुकान पे नहीं आएगा, मतलब आ जाएगा मगर उसको ऐसा लगेगा कि सामान नहीं है। अभी ये जो आइटम है इसमें आपने पूरा ऑयल भर दिया, गियर का ऑयल, हाँ, और बहुत कुछ दिया है, हाँ, वो पूरा आपने इसमें भर दिया, यहाँ पे कंप्रेसर का इनलेट का पाइप आएगा, ओके, आपने कॉक चालू कर दिया, ये सब देख लिए नजदीक से, ये सारी गाड़ी की इसमें लिस्ट दी हुई पूरा है। दिया हुआ है देखिए आप, फोर्ड, ऑडी, वॉक्सवैगन, BMW, स्कोडा,
सभी गाड़ी का सब नोजल दिया हो, जो गाड़ी का नोजल है बेंड जगह में वहाँ पे आपने लगा दिया है, यहाँ से कोक चालू कर दिया, पाइप दिया है, आपका ऑयल वहाँ पे पहुंच जाएगा और आपको ऑयल भी खींचना है वहाँ से, तो ऑयल भी खींच जाएगा, देख लीजिए आप, ये सब गाड़ी में लगेगा, ये सब गाड़ी में लग जाएगा। वाह ओके, बहुत ये न्यूमेटिक वाला है, और इसमें एक मैनुअल वाला वो दिखाता हूँ, अभी बहुत सुपर आइटम है। और ये भी वो पूरा नोजल वाला ही सेट जी का, ये पूरा सेम है, नोजल सेम है, लेकिन अभी कितने लोग का क्या रहता है कि भाई फैजल भाई मेरा गाड़ी दूर खड़ा है, अब मैं वहां तक कंप्रेसर तो ले नहीं जाऊंगा और पाइप भी वहां तक नहीं लंबा सकूंगा, तो उसके लिए मैंने मैनुअल मंगाया, मैनुअल कंपनी का। अब इसके अंदर जो भी साइड का नोजल है आपका, गाड़ी कहाँ पर नोजल लगा दिया, लग गया ये वहाँ पे लग गया, यहाँ से हैंडल लग जाएगा, डंकी के साथ मैनुअल करोगे आपका गियर बॉक्स में ऑयल चला जाएगा। वाह, और ये इतना सुपर आइटम है, लगभग आप बोलोगे ना किसी के पास, आप इंडिया मार्ट पे भी चले जाओगे, किसी के पास ali.com पे भी चले जाओगे ना, वहाँ पे भी आपको एक महीना वेट करना पड़ेगा, अभी रिस्क लेके। और कितनी छेतर पिंडी होती है भाई आपको, सही है, कितनी छेतर पिंडी होती है तब भी जाकर सही माल नहीं मिलता। और अरुण भाई ये भी है ना, मेटल है, हाँ ये मेटल है, सही है, सब मेटल है, ठीक है, सारी मेटल जी। अभी ये जो आइटम है ना अरुण भाई, ये आपका ऑयल वेस्ट कलेक्टर है। ओके, जैसे कि आपका पहले अभी कितने अपना हिसाब है, इंडिया में ऐसे चल रहा है, गाड़ी आता है तो कुछ एक पे लगाया पूरा चेम्बर का बॉडी बोला, उसके बाद ऑयल निकाला। अभी ये जो है ना, ये डायरेक्ट आपका मैनुअल भी काम करेगा। ओके, जैसे मैनुअल ये पाइप आपका जो ऑयल चेम्बर का जो बोल रहा था ना, उधर का खाली बोल्ट खोल लिया, पाइप डाल दिया आपने वहाँ, सब अलग अलग पाइप है, ठीक है, वहाँ पे चला गया, उसको खाली आपने ऐसे पंपिंग करना है। ओके, आपका जितना भी ऑयल है ना, पूरा इंजन ऑयल पूरा खींच के पूरा अंदर भर देगा। और ये QRC भी दिया हुआ है, QRC वाला न्यूमेटिक, अगर आपको कस्टमर के सामने मैनुअल नहीं करना है तो आपने खाली इधर पे QRC लगा दिया, कोक चालू कर दिया, पूरा ये ऑयल वेस्ट खींच लेगा, ये ऑयल वेस्ट कलेक्टर है। और जो आपका आधा घंटे में काम होता है ना, ये खाली 2 मिनट में देगा और कंप्लीट निकाल देगा। ठीक है, वाह बहुत बढ़िया, ये नया आइटम आ गया कुछ। अभी ये देख लीजिए, ये सबसे रनिंग आइटम है, एक जो आपको जो ब्रेक कैलिपर की टिका है वो रखिए, ये इसके बिना कस्टमर का काम नहीं होगा। अगर जुगाड़ करेगा बेचारा कर के थक जाएगा, लेकिन उसका परफेक्ट काम नहीं होगा। अभी ये आया है ब्रेक में से ऑयल निकाल। अभी क्या, कस्टमर आपकी दुकान पे आया, अभी आपका कारीगर है नहीं है, तो आपका एक बंदा तो खाली एयर निकालने के लिए वहां पे पावड़ा मारने के लिए कि भाई एयर आया, वो ऑनर वहां पे बैठा है, वो बोलेगा भाई एयर आया, वो बोलेगा नहीं आया, बोले मार पावड़ा कस्टमर के सामने, मार उसको, लेकिन नहीं आता है। अभी ये जो टूल्स है ना, इसमें एक ही बंदे का काम है, ये यहाँ पे लग गया। और हाँ, जिसको समझ नहीं पड़ेगा उसका एक का मैं पूरा पर्सनल वीडियो भी दे सकता हूँ, दे सकते हैं, अगर आपको खरीदने के बाद अगर आपको उपयोग करने का भी सीखना है तो वो भी हम वीडियो लग गया, ये आपका डायरेक्ट ब्रेक के लेवर में लग गया, और उसके एडेप्टर भी सब दिए हुए हैं, सब दिए, इसमें इस तरीके से लग जाएगा। अभी मैं इसको ऐसे पुश करूंगा ना, देखो यहाँ पे कंप्रेसर हो जाता है, बराबर यह कंप्रेसर हो रहा है, ये कंप्रेसर पूरा खींच लेगा आपका ऑयल, और ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा डब्बी में आ जाएगा, पूरा सेटिंग करके लगाना पड़ेगा मेरे को। कटोरे रखते हैं, पतीले रखते हैं, और उसके अंदर एक तरफ से ऑयल गिर रहा है, दूसरे तरफ से डाल रहा है, उससे सब झंझट आपका निकल जाएगा। और ब्रेक ऐसी चीज है कि वो ऑडी में भी लगेगी, और ब्रेक ऐसी चीज है कि Maruti 800 में भी लगने वाली है, ठीक है, इसमें साथ में पूरा सब नोजल आएगा, सब और 2 डब्बी दिया, एक खराब हो जाए तो दूसरा भी आप काम में ले सकते, ठीक है। ये आइटम देखिए, अभी ये ऑक्सीजन सेंसर सॉकेट सेट है। ओके, अभी ये सब पूरा ब्लैक मटेरियल में, और प्लस दूसरी बात कि अभी कितनी जगह ऑकवर्ड ऐसा था जहाँ पे अभी यहाँ पे मेरे को बोल्ट खोलना है और वहाँ पे वायर लगा हुआ है, अब वो वायर पूरा खोलना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा, उसके बाद 1 घंटे बाद मैं बोल्ट खोल पाऊंगा। अभी ये जो बॉक्स पाना है ना, अभी जो आपका वायर ना, सब पूरा ऐसे बाहर आ गया, डायरेक्ट जड़ में जाकर कट है, ये ऑक्सीजन सेंसर सॉकेट सेट बोलते हैं, ये भी पूरा आपको रेडी स्टोर, ये BS6 के अंदर अभी आते हैं, क्योंकि BS6 के अंदर ऑक्सीजन को वो मेजर करता है, वो देख लीजिए सारे बॉक्स पाना, इसमें कट वाले वायर निकल जाएगा इसमें, वाह ठीक है, वो ठीक है, देख लीजिए ये ऑक्सीजन सेंसर सॉकेट सेट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास और एक नया। अभी ये जो स्पेशल जो इलेक्ट्रिक वायरिंग का जो काम कर रहा है ना जी, उसके काम में आएगा, जैसे इलेक्ट्रिक में जो अल्टरनेट का जो काम करता है उसकी पुली, अल्टरनेट का जो पुली खोलने के लिए काम में आएगा। इसमें आपका छोटा किट है, इसमें आपको बड़ा किट चाहिए तो भी हमारे पास रेडी स्टॉक में मिलेगा, ठीक है, ठीक, देख लीजिए आप, ये क्या नया सामान आ गया, क्या आइटम है देखिए, वाह ये आप छोटा 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 लगेगा लेकिन ये सबका काम बहुत बड़े बहुत बड़े बड़े सही। अब ये जो एसी का जो काम करता है ना,
अब वो एसी के काम के लिए बेचारा परेशान हो जाता है, कहाँ से एसी लीक हो रहा है और कहाँ से चेक करना है। ये पूरा ब्रास का एडाप्टर जो भी गाड़ी आएगा वहाँ पे लगा दिया और कहाँ से लीक है वो पता चल जाएगा। ब्रास का पूरा सेट है, पूरा ब्रास का सेट है। और एक दो एडाप्टर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 80 एडाप्टर की पूरी सीट है। और इसके अंदर और किसने देखे, हाँ ये तो छोटे छोटे वाले, क्या बात है, ये सारे उसके वो नोजल के ऊपर वाले जो लगे। ओके ठीक है, इसमें आपको देख लीजिए आप, ये सब मेटल का है, सब मेटल पूरा सब साइज आ गया, देख लीजिए आप सारी साइज, सारी साइज बहुत बढ़िया। ये सब अलग अलग कलर इसके लिए दिए कि आपको याद रहे, और ये अलग गाड़ी में लगेगा, ये सब अलग अलग गाड़ी में लगेगा, ठीक है। ओके ये भी एसी का ही है मुझे लग रहा है जी, ये एसी का जो आप लोग गैस भरते हैं ना वो वाला मीटर, देख लीजिए ये डबल मीटर, ठंडा और गर्म दोनों दोनों, ये लो प्रेशर का है और ये हाई प्रेशर का है। ये सबसे सुपर आइटम है, ठीक है। अभी ये जो आइटम है ना ऑयल का जो सील ठोक के बिठा दे सर, शिफ्ट के अंदर लगता है, शिफ्ट से लेके हर एक गाड़ी के अंदर सील ठोक के बिठाने के लिए लगाते हैं। अभी वो लोग हथौड़ी से ठोकते हैं, अब वो प्लास्टिक का सील आता है, टूट जाता है कट जाता है, कम नहीं सिवा मिलता नहीं है। ये पूरा सील ठोकने के लिए पूरा काम में आएगा, ये यहाँ पे लगा देंगे आप इसको ऐसे, मैं बता दूं ये इसका बहुत हॉट रनिंग आइटम है हमारे पास। ये भी वही चीज है, ये लाल वाली पेंटिंग चाहिए, अभी वही है, वो भी दिखा रहा हूँ मैं। ओके दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, मगर आप अगर आपको ये खरीदना नहीं है और अगर आप फोर व्हील वाले हैं, मैकेनिक है, तब तो आपको ये पूरा देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मिलेगी। कभी आप अपने दोस्तों में बैठे हो या कहीं पर आप चले गए तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये वाला सामान मैंने देखा था वहां पर। देख लीजिए जो छोटा पेटी है ना कम्प्लीट करके रख दिया मैंने, आप उसको ऑयल सील ठोकना है, वो डायरेक्ट ऐसे लगा दिया, उसको पीछे हथौड़ी मार दिया, उसका सील परफेक्ट बैठ गया, परफेक्ट बैठ गया। अब वो हथौड़ी से भेजा 10 बार मारेगा फिर भी नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, उसका पूरा सील फट जाएगा। ये छोटा वाला किट है, ओके ठीक है। और इसमें मेरे पास बड़े वाला किट, बड़े वाला किट है, परफेक्ट बड़ा। इसमें तो कोई भी आपका गाड़ी मिसिंग नहीं है भाई, इसमें तो सब है, सब आगे 18 से चालू हो रहा है, 18 mm तो ये छोटा भी सील होगा तो भी ठोक देगा, 65 mm तक का ही आपको मिल रहा है, 65 mm देख लीजिए आप। वाह ये सब पूरा मेटल है, पूरा सॉलिड भी, 74 तो भूल ही गए सब, ये पूरा पूरा मेटल है, कभी खराब नहीं होगा। एक बार ले लिया, एक बार ले लिया, वो ले लिया, ठीक है। एक बार फीचर्स को नतीजे दिखा दो। ओके ओके ये सारे के ऊपर मैं देख रहा हूँ फैजल भाई कि इसके ऊपर किंग टूल लिखा हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है ओनली आपके पास ही मिलेगा ये सारा सामान। हमने खुद ने इंपोर्ट करके मंगाया है, ओके ये मेरे नाम से मंगाया है और क्वालिटी सब सुधार की है, क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी आपने मंगवाया है, क्योंकि मेरा नाम का कभी खराब इश्यू नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमने पूरा क्वालिटी। दोस्तों ये एक एक चीज का है ना, ये देख लो कितना हैवी है। और मैं आपको एक बार बता दूं कि ये प्रोडक्ट आपको पता होगा, आप दूसरे भी वीडियो देखते होंगे कि हर एक चीज के अंदर हर तरीके की क्वालिटी आती है, 1 नंबर क्वालिटी 2 नंबर क्वालिटी, हमारी बेस्ट क्वालिटी है, फर्स्ट क्वालिटी का हम लोगों माल मंगाते हैं। इसमें चालू क्वालिटी भी आती है मगर वो हम नहीं रखते क्योंकि कस्टमर बहुत दूर से आता है और बहुत विश्वास करके हमारे पास से सामान लेके जाता है। अभी ये जो आइटम है ना अरुण भाई, ओके ये स्पेशल जो बुशिंग का जो काम करता है लेथ वाला जी, और जो जिसका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे लेथ वाला 100-100 किलोमीटर दूर में रहता है जी। अब वो एक बुशिंग का निकालने के लिए 80 रुपए लेते हैं, एक गाड़ी के अंदर 20-25-30 बुशिंग आती है, बुशिंग आते हैं। अभी ये जो पेटी लेगा ना उसको बुशिंग के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, ओके ये जो मैनुअल भी काम कर लेगा ये पूरा यहाँ पे लग जाएगा, ये मैनुअल सब बुशिंग सब मैनुअल आ गया। और दूसरी बात कि आपको इसको प्रेस पे भी काम में लेना ना, खाली एडेप्टर आ गया, बुशिंग आपने बिठा दिया, इसको पुश कर दिया, उसका बुशिंग निकल गया, आप देख लीजिए बुशिंग बोलेगा पूरा पेटी, कट वाला भी आ चुका है इसके अंदर, सब अलग अलग साइज का, इतना छोटा सा लेके आपका इतना बड़ा मैक्सिमम बुशिंग हुआ वो भी निकाल देगा, देख लीजिए अभी ये इस टाइप का भी बुशिंग हुआ वो भी निकाल देगा, ये सबसे इंजन माउंटिंग के अंदर भी ये यूज होता है जी, ये सब सब मल्टीपर्पस, मल्टीपर्पस है, समझ गया मैं। ओके ठीक है ठीक है,
अरे बाप रे बाप, ये क्या चीज है फिर? ये है सर इंजेक्टर पुले का पूरा पेटी है मेरे पास। हाँ। और ये जो है ना, ये आपका जो सेंसर सर्किट वाला भी जो पाना है वो भी इसके अंदर आ चुका है। हाँ, वो जो कट वाला वायर वाला बोल रहे थे वो, ये देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा हैवी है। हाँ, उंगली संभाल के। ये कितने किलो का होगा? ये तकरीबन 4 से 5। ओ हो 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 हो, और ये तो बड़ा वाला है। बता रहा हूँ मैं आपको, पहले ये दिखा दूँ। अभी ये जो कूलर है ना, ये इंजेक्टर कूलर का सब जो रनिंग गाड़ी आ गया, सबका बॉश, हाँ, सीमेंस, डेल्फी, हाँ, सब गाड़ी का इसके अंदर आ गया। ओके, ठीक है, जो रनिंग जो गाड़ी चलता है उसके अंदर आ गया, सब आ गया। ये पूरा देख लीजिए, सीआरवी मटेरियल थोड़ा बता दीजिए, लिखा हुआ है सीआरवी मटेरियल। वाह, ठीक है, ओके। और अभी इसमें जो इंजेक्टर बोलेगा इसको मास्टर किट बोलते हैं, मास्टर किट, इसका नाम ही मास्टर किट, मास्टर किट। ओके, कि इसके अंदर एक भी इंजेक्टर आपको मिसिंग नहीं रहेगा, मिसिंग नहीं, कोई भी गाड़ी गाड़ी का आ गया इसमें। 1, 2, 3, 4, 40 4 तो इसके अंदर हैमर दिए है। ओके, 40 पीस का इसका एडेप्टर का बिट का सेट है। ओके, बहुत हैवी है, बहुत हैवी है, डंबल की तरह है, डंबल के। हां हां सही था, बोले दिया खींचना है आपको जी। और वो इंजेक्टर क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम के बाद खुलता है, जैसे आपकी 20,000-30,000 गाड़ी चल गई उसके बाद आप इंजेक्टर को सर्विस करवाते हैं, और इंजेक्टर सर्विस करवाने से आपकी गाड़ी भी एवरेज बढ़ जाती है, और वो खुलने में बहुत दिक्कत देता है, बहुत दिक्कत देता है। और दूसरी बात, ये जो इंजेक्टर का बार आप खुलाने जाते हो ना, तो एक इंजेक्टर का 800 से 900 अगर आपने 20-30 बार खोल दिया तो मेरा पेटी पूरा फ्री हो गया, फ्री हो गया, और किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा या, और आपके पास लोग आएंगे जी। ठीक है, पूरा किट आ गया इंजेक्टर कूलर का। ओके, हैवी वाला मास्टर किट। ये जो पेटी है ना, हाँ, ये अरुण भाई, ये हाफ कूलर बोलते हैं। अच्छा, अभी कितना लोग उसको ड्रम कूलर बोलते हैं, हाफ कूलर, ड्रम कूलर, ये मल्टीपर्पज बैरिंग कूलर का भी काम करेगा। ओके, और ये आपको वहाँ पे हब में लग जाएगा, और ये कूलर यहाँ पे पीछे लगेगा, और ये इसको इसके प्राइस के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूं, तो आपको मैं प्राइस भी बता दूंगा। ये याटो का अलग जी, ये फ्रंट व्हील एडेप्टर किट है। ओके, फ्रंट व्हील का जो एडेप्टर खोलते हैं ना, वो लेथ वाले पास जाने बिना छुटकारा नहीं है। अभी आप तो चलो भाई सूरत में, तो सूरत में तो लेथ वाला इधर नजदीक होते मिल जाता है, लेकिन आप आउट कंट्री में कहीं बैठे हो, कहीं पे आप बैठे हो, वहाँ पे आपको ये नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो ये आपके पास होगा तो आप फ्रंट व्हील का जो आगे का जो एडेप्टर का जो बेरिंग है ना, इसमें सब जाके एडेप्टर दिया हुआ है, छोटे से लेके बड़ा, आपने यहाँ पे लगा दिया, को एडेप्टर को टाइट कर लिया, यहाँ पर जो फ्रंट का जो व्हील का जो बेरिंग है पूरा बाहर आ जाएगा, सबसे बड़े में बड़ा ये वाला, ठीक है, इतना बड़ा है। देख आपका एक्सट्री गाड़ी आएगा उसमें भी आ जाएगा। और अब तो ज्यादातर गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव हो गई है, और आगे के बेरिंग में प्रॉब्लम आती है क्योंकि गाड़ी चलती इतना है। ठीक है, ओके, ये आ गया हमारा बहुत उपयोगी चीज है, ये टायर रोड पुलर का पेटी है। ओके, तो जो बॉल जॉइंट पुलर का भी किट बोलते हैं, टायर रोड पुलर का भी पेटी बोलते हैं। हाँ। ये पूरा एक पेटी ले लेगा तो उसको लगभग दूसरा टायर लेना नहीं पड़ेगा। देखिए, ये आपका बेरिंग पुलर का भी काम कर देगा, जो गियर का आपको जो निकालना है आपको बेरिंग वो भी निकाल देगा। और ये गुटका छटका दे स्पेशल स्कोडा, स्कोडा का जो गुटका हथौड़ी मार मार के छटकाते और टायर रोड उड़ जाता है, खराब हो जाता है, ये वहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे बोल्ट लग गया, इसको आपने गन से मार दिया, पूरा गुटका आपका बाहर आ जाएगा। रेचर से भी यूज कर सकते हैं ना इसको, रेचर से भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये छोटी सी आइटम देखिए आप, हाँ, ये भी टायर रोड कूलर बोलते हैं, टायर रोड कूलर, ये जो उसको टाइट करते ना अचानक से निकल जाते हैं वो आई। ओके ओके, ठीक है। और हाँ, अगर कोई बोलेगा भाई कि भाई फैजल भाई मेरा बजट इतना पेटी लेने का नहीं है, सिंगल तो खाली गुटका भी मिल जाएगा, तो आपको जो छोटा जो एक्स्ट्रा लग बताया ना, छोटा टायर वाला मिनी वाला, वो भी एक्स्ट्रा चाहिए तो किंग उसमें मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि वो क्वालिटी उसमें लगाएगा इसमें लगाएगा, ये क्वालिटी देख सकते हो सेम टू सेम। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे प्रोडक्ट भी आप मंगा सकते हैं, हम अलग अलग कुरियर का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा सामान होता है वो बड़े कुरियर में जाता है, और छोटा सा थोड़ा आपको चार्जेस महंगा पड़ेगा आपके पास आने के लिए, भाई 200 रुपया या 500 रुपया भी आपको जाके खोलेगा वहाँ पे, यहाँ पे टीटो मिलेगा, उसको घुमाया ये पूरा आपका खोल भी देगा, टाइट भी कर देगा, इसको टाइट रोड कूलर बोलते हैं, बॉल जॉइंट कूलर बोलते हैं। ठीक है, ओके, बहुत सुपर आइटम है, पूरा घुमाएगा ये भी इसमें ही है, ये वाला भी।
प्रीमियम गाड़ी के अंदर जो बड़ा वॉल्यूम लेता है जिसमें मर्सिडीज ऑडी बीएमडब्ल्यू के अंदर बड़ा वॉल्यूम लेता है उसके लिए आता है प्रीमियम के लिए ठीक है okay. और इसमें जो देसी आता है इंडियन वो भी मेरे पास रजिस्टर में मिल जाएगा वो सस्ता होगा मगर वो इसका ज्यादा ये नहीं रहता वो भी मिल जाएगा वो मिल जाएगा अभी ये i20 का सुपर आइटम है जो एक्सल जो खोलते ना एक्सल का जो नट अब वो इतना बड़ा नट रहता है अब उसको आप पाइप पाना से पकड़ते हो पंची से पकड़ लेके स्लिप मर जाता है और खराब हो जाता है ये आपने यहाँ पे लगा दिया ये 50 mm का होगा साइज हाँ। वहाँ पे लगा दिया आपने टीटो में से ताकत करा ये खुल गया ये i20 का स्पेशल i20 के लिए ये ऑक्सीजन सेंसर सॉकेट सेट है किसी को एक्स्ट्रा चाहिए छोटा वाला तो ये भी किंग में रेडी स्टॉक में मिल जाएगा हाँ ये सुपर सबसे सुपर आइटम ओके दिखने में छोटा है ये डीजल का क्लिप प्लायर बोलते हैं अभी तक इंडिया में सब जुगाड़ी काम कर रहे थे जैसे दो पकड़ ले लिया वहाँ पे दो वेल्डिंग करा के और लोगों ने बिचारने कर दिया अभी ये कंपनी का आइटम है आपको जो डीजल का जितना भी बड़ा पाइप है यहाँ पे आपने लोड कर दिया उसको दबा दिया डीजल का जो प्लास्टिक का जो पाइप था बाहर आ जाएगा डीजल क्लिप प्लायर बोलते हैं इसको ठीक है डीजल क्लिप प्लायर ओके ये भी बहुत सुपर आइटम है ओके जो ब्रेक का जो स्प्रिंग छटकाते हैं ना अभी पेचीदे छटकाते हैं उसमें किसी को लग जाता है या परफेक्ट नहीं होता जल्दी काम नहीं होता है देखो मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि काम तो ऐसे जुगाड़ी से भी हो जाता है हो जाता है लेकिन आपको जो इम्प्रेशन है कस्टमर के सामने वो नहीं है अच्छा नहीं और दूसरी बात जो आपका टाइम का वैल्यू सब टूल्स लेने से होगा टूल्स होगा आप काम तो कैसे भी कर सकते हो हथौड़ी मार के भी काम तो होते हो रहा था आज से आज 15 साल पहले चले जाओ पहले हथौड़ी सब हथौड़ी छाप ही काम करता था जब ये टूल्स नहीं था नहीं था अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया सब टूल्स आता गया गड्ढा जैसे हम खोदते हैं जेसीबी से भी खोदता है और इंसान भी खोदता है मगर जेसीबी से आपका 5 मिनट में खुलेगा ब्रेक का जो स्प्रिंग छटका जो आइटम है वाह देख लीजिए ये पूरा प्लायर बनता है इसका ये पूरा खुलेगा यहाँ पे स्प्रिंग लोगों को इसको दबा दिया पूरा स्प्रिंग खींच के बाहर लेके आ जाएगा क्या बात ये सब अलग अलग है सबका सब गाड़ी का अलग अलग ओके ओहो क्या चीज है ये इसको पिस्टन रिंग कांग्रेस का गिर बोलते हैं अभी मार्केट में आप घूमेगा तो आपको खाली एक ही साइड का आरसी बोर्ड मिलेगा छोटा साइज वाला ये हमारे पास पूरा किट है जो वाल का भी जो काम करेगा ना वो भी अंदर पूरा आ गया जो उसको प्रेशर से पुश करेगा इसको ऐसे पूरा उसको पुश करेगा वो भी आ गया ये क्या चीज है इसमें RC3 RC4 RC5 सब आ चुका है और ये जो प्लायर जो अंदर जो आप एक्स्ट्रा बता रहे हो ना वो भी अंदर आ गया वो तो अंदर आ ही गया है जो अगर ये किट लेगा तो इसको पिस्टन का रिंग प्लायर बोलते हैं अभी आपका जो पत्रे का जो पिस्टन का रिंग है अभी हम लोग इससे दबाते हैं इससे दबा। लेकिन उससे क्या अमुक जगह में जाता नहीं है ये आइटम के आपने दबा दिया उसको जैसे रख दिया उसको छोड़ दिया वो वहाँ पे फिक्स वहीं पे जाके फिक्स और वो रिंग क्रॉस नहीं होगा रिंग क्रॉस नहीं होगा ये वो आइटम है ये पूरा किट है और आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा भी आपको अलग से मिल जाएगा ओके ये नई चीज आ गई हमारे पास और एक पेटी नहीं है रुक जाइए व्यूअर्स को भी मैं कहूंगा अभी तक जिन व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ये इतना सब सामान आपको बता रहे हैं हम और ये इतना सब मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए एक लाइक भी जरूर बनता है और शेयर भी बनता है आप कहीं भी कोई से भी काम करते हो आप जरूर से जरूर शेयर भी कर दे और लाइक तो जरूर कर दे बहुत मेहनत की आज हमने एक लाइक ने इसके लिए 100 लाइक होना चाहिए 100 लाइक होना चाहिए ये बहुत सुपर वीडियो बनने वाला है और इसकी बहुत मेहनत है इसके अंदर सही है ठीक है अभी ये जो कूलन टेस्ट किट है ओके अभी जो आपका रेडिएटर का कूलन का पानी कहां से लीक हो रहा है हाँ अभी जिसके पास टूल्स नहीं हो क्या करता है गाड़ी आया उसके अंदर पानी गाड़ी गर्म है आधा घंटा उसको ठंडा होने में रखता है ठंडा हो गया उसके बाद वो पानी डालता है फिर कस्टमर के सामने से देखता है कहां से लीक है उसके बाद पता चलता है वो तो काजल भाई तब होगा कि तब उसको रेडिएटर दिखेगा जी मगर अभी की तो गाड़ियों में रेडिएटर दिखता ही नहीं है नहीं लेकिन फिर भी जुगाड़ी काम हो जाता है लेकिन अभी ये पेटी ले लिया उसने छोटी साइज का जो रनिंग सब गाड़ी आ गया okay. इसके अंदर देखो टोयोटा सुजुकी फिर आपका माजदा अल्टा फियाट वॉक्सवैगन ऑडी बीएमडब्ल्यू रनिंग गाड़ी सब आ गया इसके अंदर ये आपका इसके अंदर क्या करना है आपका जो कैप का आता है ना कूलन का वहाँ okay. पे आपने लगा दिया यहाँ से आपने इसको लगा दिया यहाँ से प्रेशर दिया आपने जहाँ से आपका प्रेशर बनाएगा जहाँ से लीक है वहाँ से तुरंत ही पानी बाहर आ जाएगा ओके और दूसरी बात इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा जो आपका एक घंटा लग रहा है ना ये पेटी लेने से आपका 10 मिनट में काम हो जाएगा छोटा वाला किट है ये हरण भाई है ना ये भी मेटल वाला है okay. इसमें फाइबर वाला भी आता है वो भी अवेलेबल है ठीक है वो सस्ता रहेगा थोड़ा हाँ। ये मेटल देखा कंप्लीट मेटल एक बार ले लिया कभी आटा ये एल्यूमिनियम है सब छोटी साइज वाला यस ये बड़ी साइज में मेटल वाला हाँ
जिसमें आपका एक्स वाई जेड कोई गाड़ी आपका मिसिंग नहीं रहेगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। और उसमें ये स्पेशल आइटम भी दिया है कि आप इसको न्यूमेटिक से भी चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। मैनुअल आपको आपको प्रेशर नहीं देना है, मैनुअल मेहनत नहीं करना है, आपने न्यूमेटिक लगा दिया, खाली प्रेशर दे दिया, वहां से आप कहां से लिखे पूरा बता देगा। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर का ढक्कन है रेडिएटर के ऊपर लगाने के लिए, यहाँ से ये पाइप लग जाएगा और ये कंप्लीट सेटअप आपका उपयोग काम करेगा। ये बहुत बढ़िया चीज है। अभी ये मेटल वाला है, ये कॉस्टली बैठी है और ये इसमें फाइबर वाला काम इससे भी हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका जैसा बजट, क्योंकि कितने लोग फूल से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक ही बार लेना, अच्छा चीज लेना, अच्छा चीज उनके लिए। ये वो आइटम हैवी वाला, मेटल वाला और ये फाइबर वाला, फाइबर वाला। ठीक है, ये भी पूरा सब गाड़ी का आ गया, जो पेटी उसके अंदर है सब चीज के अंदर आ गया। ठीक है, ठीक है। और ये अब ये भी जो है ना, ये एसी का जो काम में आता है। हाँ एक मिनट, ये एसी के काम में आता है, जो एसी का काम है। ठीक है, ये टेक्निकल बंदा होगा, इसमें मेरे को इतना आइडिया नहीं है। हाँ। वो समझ जाएगा, ओके। ये सब नोजल वगैरह आइटम का सब दिया हुआ है, लेकिन बहुत सुपर काम का आइटम है, हमने बहुत सारा पेटी बेच दिया ये वाला। ओके फिजर भाई, आपके पास ये सब इतना सारा सामान है, ये लेके जाता कौन है? ये जो हमारे पास जो स्टेट बिहार, यूपी, फिर तेलंगाना, फिर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जहाँ पे टूल्स देखे नहीं किसी को नहीं है। और मैं रोजी पे बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो टूल्स हमने जो दिखाया है ना, ये लगभग मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं। और मैं भी जो लेके बैठा हूँ ना, क्योंकि मेरे पास रेंज है। और मेरा क्या, कभी ये नहीं कभी दूसरा आइटम मिल गया, वो सब शब्द हमारा खुद ना कुछ चलता रहता है। और मेरे को शौक है जी, ये पेशन है इनका, पेशन। आज नहीं तो कल तो बिकेगा। मेरे को मालूम है इसमें 10-90% आइटम कभी 150 भी पड़ा रहता है हमारे पास, लेकिन हम रखते हैं कि कभी कौन से कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट आ गया, ये हम किंग टूल्स में रेडी स्टॉक में अवेलेबल मिलता है। सही, देखिए अभी ये सुपर आइटम दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत सुपर आइटम है। ये कोई स्प्रिंग कूलर है, ओके। ये आपका मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू और फंटी से लेके ऑडी से लेके सब गाड़ियां यूनिवर्सल। और स्पेशल ये कूलर बोलते हैं, इको का कूलर बोलते हैं, इको का। हमारे इंडिया में इसको इको का कूलर बोलते हैं। इको गाड़ी के अंदर पतली जगह में कोई कूलर अभी तक नहीं बना है। ये स्पेशल है, इम्पोर्टेड वाला, कभी खराब नहीं होगा, हैंडलिंग किया हुआ रहता है। ये दो पीस का सेट आएगा, ये भी आपको किंग रूट में मिल जाएगा। ठीक है, और ये इसमें एक एलएनजी वाला कूलर है, वो कॉइल स्प्रिंग कूलर। अभी कितने लोग क्या बोलते हैं फैजल भाई के पास, उसमें स्प्रिंग छटक जाता है, छटक जाता है। तभी ये कंपनी ने एलएनजी वाला दिया। हां कंप्लीट उसको लॉक हो गया, लॉक हो गया, इसको लगा दिया आपने, कितना कोई टेंशन नहीं, खुला कर देता रहना लगा। ओके ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ये अभी मास्टर किट, जैसे आपको इंजेक्टर बोलेगा मास्टर किट बताया, वैसे जंपर बोलेगा मास्टर किट। ये आपका जो न्यूमेटिक से भी चलेगा, और आपका जो मैनुअल आप जो जंपर बुलेगा, पेटी बोलते हैं जो स्प्रिंग छटका दे, कॉइल स्प्रिंग बुलर। ठीक है, पूरा बड़ी बड़ी गाड़ी में भी लगे, तकरीबन 10-12 किलो का पेटी है। ओके देखिए, एक बार नजदीक से देख लिए, ये हमारा ब्रांड का लोगो है। किंग टूल, टूल्स फॉर किंग। किंग टूल्स तो नाम है, लेकिन टूल्स फॉर किंग, किंग किंग लोगों के लिए ये टूल्स है। अच्छा ओके, चलिए स्मॉल वाला पेटी टेस्ट के लिए वाला, जो आपको पहले बड़े वाला दिखाया, फिर एक मीडियम वाला दिखाया, और इससे छोटे वाला, उससे छोटे वाला कम एडेप्टर वाला जी, कूलेंट टेस्ट की, जिसका कम बजट है उसके लिए ये आइटम है। ओके ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, आपका वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए फटाफट बता रहे। सही, सही। क्योंकि बहुत सारी पेटी मेरे, बहुत सारी पेटी। अभी ये इनर साइज का बेरिंग कूलर बोलते हैं, जो अल्टरनेट की पुली के लिए काम में आता है, जहाँ पे इतना छोटा सा पतला जगह, अभी देख लीजिए खाली नाखून से भी छोटा जगह है, वहाँ पे जाके ऐसे लग जाएगा। और यहाँ पे आपने दो बोल्ट लगा दिया, आपका जो पुली का जो पूरा बाहर आ जाएगा, तो पूरा किट है, देख लीजिए आप। इन साइड बेरिंग कूलर, ये वो आइटम है। ओके ठीक है, अभी ये स्पेशल आइटम है, ये इनर बेरिंग कूलर बोलते हैं। इनर बेरिंग, हाँ जी, अभी तो बेरिंग है, अभी ऐसी जगह पे फंसी हुई है, अभी यहाँ पे आर्टन पे अभी अगर बेरिंग फंसी हुई है ना, तो वहाँ पे आप पकड़ भी नहीं सकते, नहीं पकड़ सकते उसको, आप हथौड़े भी नहीं मार सकते। अभी ये जो कूलर है ना, हाँ। ये यहाँ पे लग जाएगा आगे, ये जो कूलर है, हाँ। ये यहाँ पे ऐसे लग गया, ठीक है, हाँ। ओके ये लग गया, ठीक है, हाँ। अभी यहाँ पे बेरिंग फंसा ना, ये अंदर जाके लॉक हो जाएगा। ओके। अभी इसको यहाँ से घुमाऊंगा ना मैं, लॉक हो जाएगा, तो ये अंदर खुल जाएगा ऐसे, हाँ। और ये खुल गया, बेरिंग में फंस गया, इसको मारा, हाँ। 2-3 झटका मारा आपका बेरिंग, हाँ। इसमें छोटी साइज से लेके देख लीजिए आप, इतना छोटा बेरिंग से लेके और इसमें इतना बड़ा बेरिंग चला गया।
दोस्तों सामने एल्यूमिनियम होता है, अगर हम इंजन का काम कर रहे हैं तो सामने एल्यूमिनियम होता है, बीड होता है, कोई कोई तो बहुत हाई एलॉय होते हैं जिसको हल्का सा भी, जिसके लिए फाइबर का हथौड़ा यूज होता है, अगर उसके अंदर आप अपना सादा हथौड़ा मार देंगे तो सामने की चीज टूट जाएगी, उसके लिए ये डेडिकेटेड चीज होता है। वाह भाई ये क्या चीज आ गई, अब ये भी बेरिंग बोले ओके, वो इनर साइज में बहुत ही बड़ा बेरिंग है जो उससे नहीं निकल रहा है, ये अंदर जाके ऐसे लोगों का पकड़ने में पता था। ठीक है ऐसे पकड़ के रखो, मैं ऐसे दबाऊंगा। हाँ ये खुल रहा है, थोड़ा थोड़ा खुल गया। हाँ सही है, ये खुल जाएगा, खुल जाएगा। हाँ खुल गई, और ये पीछे वहाँ पे फटका लग जाएगा। हाँ फटका मारा, बेरिंग मारा, बेरिंग मारा, उसके लिए खींचने के लिए भी कितना बड़ा बोलेगा वो देखिए आप, अंदर जाके जितना लॉक हो जाएगा आपको जितना है, देखो इतना बड़ा बेरिंग हुआ तो भी ये फटका मारा बेरिंग बाहर, इनर इनर आउटर सब अलग अलग आपको मिल जाएगा, ये बाहर के लिए और ये अंदर के लिए। ओके मैं बड़ा साइज दे दिया है ना, उससे बड़ा साइज, उससे बड़ा साइज। ये नई चीज आ गई, ये प्लास्टिक का डैश बोल किट है। ओके प्लास्टिक का जो फाइबर का जो बटन निकलता है ना, डैश बोल किट। आप लोग बेचारे मैकेनिक लोग एयरपोर्ट, हालांकि बेचारे लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है। और ट्रस्ट किसके ऊपर करें, अलीबाबा पे आप कर नहीं सकते हो, 2 महीना वेट करना पड़ेगा आपको, और आपका पेमेंट फंस जाएगा, नहीं आएगा कोई नक्की नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास आपको रेडी स्टॉक में, आप आओ रूबरू देख के लेके जाओ, अगर नहीं आना है तो आप हमें वीडियो कॉल करो, हम आपको आपका प्रोडक्ट बताएंगे, आपको पेमेंट बोलेंगे, आप उसमें पेमेंट डालो, हम ऑल ओवर इंडिया से डिलीवरी कर देंगे। और ये जो है डैश बोल किट है, जो आपका फाइबर का जो बटन खोलते हो आप, कितने लोग पेचा से खोलते हैं, खराब हो जाता है, पार्टी का टूट जाता है, टूट जाता है, और ना वो भी जो लॉक होते हैं वो भी टूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं। अब ये प्लास्टिक का स्पेशल आइटम, अब इसमें हर साइड का जो आपका जो बटन आया आपने लगाया वो खुल जाएगा। और दूसरी बात, मैंने प्लायर भी दिया है आपको, ये हाँ ये वो लॉक प्लायर, जी लॉक प्लायर बोलते हैं इसको। अभी आपको कोई बोल्ट आपको एकदम जॉइंट में पड़ा है और वहाँ पे आपका निकल ही नहीं रहा है, वहाँ पे लग जाएगा ये सपोर्ट से। हाँ हाँ देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पुराना वाला सिस्टम निकालते, नया सिस्टम लगाते, उसके अंदर ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है ओके, और एक आइटम देखिए आप, ये आपका मैकविल का सॉकेट बोलते हैं। ओके ये खाली आप तो की दुकान में भी ऐसे लगा के रखो ना, आपके बहुत अच्छा होता है, कस्टमर पूछेगा भाई ये क्या आइटम है, मैकविल आइटम। हां इतना लाल, इतना फोकस करेगा कस्टमर के सामने। ये मैकविल अभी ना अरुण भाई, 1-1 लाख रुपए का मैकविल आता है। ओके मेरे को नहीं पता, कस्टमर आया था मेरे शॉप पे, वो बोल रहा था, बोले भेजा था हम लोग जो ब्लैक से भी खुल जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो मैकविल जो 1 लाख रुपए वाला था ब्लैक से खुलता, पूरा मैकविल पूरा खींच देता, काला हो जाता है, पूरा काला कर लेता है। अब इसके ऊपर क्या है, मटेरियल ब्लैक है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का कोटिंग किया प्लास्टिक, प्लास्टिक का। अब ये लेने से क्या होगा कि आपका 10 लाख का भी मैकविल लगा होगा ना, तो वहाँ पे जरा भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा, स्क्रैच नहीं पड़ेगा, प्लास्टिक का है। इसमें आपका पूरा साइज स्पेशल मैकविल सॉकेट है, इसके अंदर साइज देख लो, 15, 17, 19, 21, 22 जो रनिंग साइज आता है वो साइज ही दिया, मोस्ट ऑफ कवर हो गया इसको। ठीक है ओके, और एक आइटम देखो, ये क्या छोटा सा आइटम, बीट एडाप्टर सेट है। ओके अभी किसी का आपका 1 फुट का बॉक्स बना, आपको 3-8 का लगाना है तो यहाँ पे 3-8 लग गया, आगे 1 फुट लग गया, 1 फुट लग गया, इसी तरह आपको आगे पीछे 1 फुट लगाना, आगे 3-8 लग गया, बीट एडाप्टर सेट है। और किसी के पास आपका बड़ा टोमी है पौने का, 3 फुट का, तो वो बड़ा टोमी लगा के छोटा बॉक्स बना लगा फुल ताकत कर सकता है, फुल ताकत लगा सकता है, कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये कॉम्प्रेसर टेस्ट किट है, छोटा सा, हां छोटा सा, सस्ता वाला चाहिए, कॉम्प्रेसर टेस्ट किट है। ओके ये सुपर आइटम है। ओके ये स्कोडा फेबिया का टाइमिंग किट है। ओके ये आपका पेट्रोल गाड़ी का स्कोडा फेबिया का टाइमिंग किट है। ओके ये सारी जी ये सब हुआ स्कोडा फेबिया में लगेगी, फेबिया में लगेगी, सुपर टाइमिंग किट है। ठीक भाई, आपके एरिया में जो गाड़ी चलती हो वो गाड़ी आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं, कमेंट भी आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप नए नए सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा जवाब देने की। अभी ये जो है ना, ये इसके बिना आपका काम नहीं होना है, अगर उसको काम करना है तो ये हथौड़ी भी काम कर लेगा तो भी नहीं होना, जिबाड़ी भी काम नहीं होगा। ओके ये DHG गलत टूल से है, ये स्कोडा गाड़ी का जो सिम सेट करके बिठाते हैं, और वो सिम इतना कॉस्टली आता है, आपने मार्केट में से एक बार लेके आए, एक बार अगर आपने परफेक्ट बिठाया, अगर आपने जुगाड़ करने के लिए नहीं बिठा तो आपका सिम फेंकने में जाएगा। ओके ये टूल्स कैसा है कि आपका सिम लगा दिया वहाँ पे, आपने उसको साइड कर दिया, ये आपका सिम सेट सेट करना है, स्कोडा का DHG कलर टूल, इससे रिमूव भी हो जाएगा और सेट भी हो जाएगा। ठीक है इसमें एक ये वाला आइटम भी आपको मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ दिस स्कोडा गाड़ी में आता है सर। ओके
यह कनेक्टर भी एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ओके ठीक है। और मेरे से ज्यादा जो मैकेनिक बायो का उसको आईडिया पता होगा। सही है। तो मेरे को जो जितना हां लोग जितना ज्ञान देते हैं उतना मैं थोड़ा समझ के रखा। ये फैजल भाई ने हमारे स्पेशल टूल के अंदर एक बार हमें बताया था कि 15 साल से वो इस लाइन में है। मतलब ये कितने छोटे होंगे तब से ये स्पेशल टूल्स को मंगा रहे हैं और बेच रहे हैं। अभी भी मेरे को 10% नॉलेज है। सही है भाई। दोस्तों आप प्रोडक्ट देख लो कितने भारी भारी प्रोडक्ट लेके आए हैं। ये फिल्टर रेंज। ओके अब ये जो फिल्टर रेंज ये एक पेटी ले लेगा उसको कोई दूसरा कोई चीज लेना नहीं पड़ेगा। ये अभी मिनी कूपर उसमें भी छोटा सा भी फिल्टर होगा वही खोल देगा। अब वहाँ पे तो आप हथौड़े नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। अगर आप हथौड़े वाला काम करो मिनी कूपर तक आप गाड़ी तक नहीं पहुँच सकते। सिस्टम से काम करना पड़ेगा। और ये एसएस का पूरा एसएस का ये कभी जंग नहीं लेगा खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। और ये दिखा दूंगा आपको एक बार। ये पूरा मेटल है। ऐसा नहीं कि लोकल क्वालिटी है। आप मेटल है पूरा। आवाज सुना पूरा मेटल है। कुछ भी नहीं हो। छोटी साइज से लेके बड़ा साइज सब आ गया है। सब ठीक है। और ये चीज क्या है? इसको है ना ब्लैक ये जो चीज है ना अरुण भाई। हाँ। ये आपका जो एडजस्टेबल फिल्टर है। अच्छा। अगर आपका इससे नहीं खुल रहा है और वहाँ पे आपको फुल ताकत वाला काम करना है इसको लगा दिया आपको छोटे साइज करना है तो छोटे साइज लगा टूट जाएगा फिल्टर मगर खुल जाएगा। गारंटी ठीक है। ठीक है। जो आइटम है ना अरुण भाई ये स्कोडा का जो प्लग खोलने के लिए काम में आता है। ओके। वो हीटिंग हुआ रहता है आप खोल नहीं सकते। वहाँ पे आप कोयल की जगह पे फंस जाएगा और उसको आप पैसे पूरा खींच के लेके आ जाएगा। ये प्लग किट बोलते हैं उसको स्पेशली। अब वो उसको दूसरे प्रोफेशनल काम में क्या लेते हो वो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। लेकिन आपके पास मंगाते हैं लोग ये बोल के। जी सही है। चलिए ये क्या नया सामान है। ये फोर्ड गाड़ी का टाइमिंग किट है। ओके। फोर्ड गाड़ी का टाइमिंग। फोर्ड गाड़ी अभी जितना इतना मैकेनिक भाई परेशान उससे ज्यादा परेशान मैं हूँ। ठीक है। वो तो आएगा एक पेटी लिया फैजल भाई मैं चला। अभी वो एक पेटी लेके जाएगा मेरे को तो इसका 100 पेटी रखना पड़ेगा। इसका 100 पेटी रखना पड़ेगा। इसका 100 पेटी रखना पड़ेगा। और कंपनी हर गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ अलग ही लाता है अलग ही लाता है ताकि वो लोग का धंधा चले। हम भी जानते अभी वो बोले क्या भाई फैजल भाई कोई एक ऐसी पेटी दो जिसके अंदर सब आ जाए। पॉसिबल नहीं होता है। वो मैं तो बोलता हूँ कंपनी को लेकिन कंपनी बोलता है भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। ये देखो इको स्पोर्ट का अभी देखो ये मॉडल अलग है। अभी ये इतना सा मॉडल अलग है। ये इको स्पोर्ट गाड़ी के अंदर लगेगा फोर्ड का। और ये फोर्ड के अंदर वो दूसरा गाड़ी के अंदर लगेगा। फोर्ड का टाइमिंग किट है। अच्छा ठीक है। और ये भी है फोर्ड गाड़ी का टाइमिंग। ये भी फोर्ड गाड़ी का ही है। तीनों वेरिएंट सेम लगेंगे लेकिन तीनों का यूज अलग और तीनों अलग अलग गाड़ी अलग अलग काम के लिए। सही है। और भी ऐसा 10 गाड़ी का मेरे पास किट पड़ा होगा। किट पड़ा है। ये नया ये जो किट है ना ये इको स्पोर्ट के अंदर जो बूस्टर वाला मॉडल आता है उसके अंदर लगता है ये किट। अच्छा। लगभग इंडिया में किसी को अवेलेबल नहीं होगा। रेडियो स्टॉक में आपको जितना किंग क्रूज में मिल जाएगा। इको स्पोर्ट का टाइम बहुत अच्छी गाड़ी आ रही है। और अब क्या है कंपनी अब इको स्पोर्ट के लिए क्या है बाहर मार्केट में गाड़ी घूमने लगी है और खुलने लगी है। 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर बोलते हैं क्या बोलते हैं नहीं पता लेकिन सब गाड़ी लग जाती है। ये आपका लेथ वाले के काम का आइटम आ गया। ओके। जो लेथ का जो वाल का जो स्टीम प्लायर बोलते हैं उसको जो स्टीम बिठाते हैं ना स्टीम बोलते हैं वाल के अंदर उसके काम में आता है। ये वो प्लायर का पूरा पेटी है आप देख सकते हो सब एडेप्टर के साथ। जी ओके। और ये वही पेटी है जिसके अंदर आप ज्यादा काम कर सकते हो। न्यूमेटिक भी काम कर सकते हो। ओके। एयर से जो काम में लेना है उसके काम में ले सकते हो। ये वॉल हेडशीट का पूरा प्लायर का पूरा पेटी और प्लायर भी दो है इसमें। जी दो प्लायर है छोटा बड़ा। और इसमें आपको न्यूमेटिक का कॉम्प्रेसर से भी चलेगा। इसका पूरा वीडियो चाहिए तो आपको पूरा वीडियो भी मिल जाएगा। और एक ये आइटम देखिए ये आपका डीजल कॉमन रेल। आपका डीजल का कहाँ से लीक हो रहा है और आपका जो डीजल का जो पूरा जो डीजल कहाँ से खींचना है वहाँ पे लग जाएगा। यहाँ से आपका कंप्रेसर कुछ पाइप आएगा आप उसको खींचोगे पूरा आपका डीजल कॉमन रेल बोलते हैं। कॉमन रेल सब सिलेंडर में एक सरका डीजल आ रहा है ये चेक करने के लिए स्पेशल। ये मच्छी क्लैंप ये फिश क्लैंप मैंने इससे पहले वीडियो के अंदर भी डेड पुलर दिखाया था। ये उसके काम में लगेगा। फिश क्लैंप बोलते हैं मच्छी क्लैंप बोलते हैं इसको। फिश क्लैंप बोलते हैं गुटका बोलते हैं सब अलग अलग भाषा बोलते हैं। और इसके पीछे जो लीवर ब्लॉक लगेगा ना भाई वो भी हमारे पास किंग क्रूज में मिल जाएगा। आपको इसके अंदर 10 टन वाला हाइड्रोलिक किट चाहिए वो भी मिलेगा। डेंट पुलर भी मिलेगा। और स्पॉट कटर बोलते हैं वो भी मिलेगा। मेग वेल्डिंग मशीन मिलेगा। प्लाज्मा कटर मिलेगा।
किंग क्रूज में आओगे तो आपको कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, सब एक ही जगह पे मिल जाएगा। ओके, इसमें एक ये वाला मॉडल है मेरे पास और इसमें एक बड़े वाला मॉडल, बड़े वाला मॉडल, दो मॉडल रनिंग चलते हैं मेरे पास अवेलेबल पड़ा है। अभी ये जो एम है ब्रेक में से एल निकालने वाला न्यूमेटिक वाला, इसका बड़ा काम है प्रीमियम गाड़ी का वर्कशॉप का है, उसको थोड़ा लुक वाइज अच्छा चाहिए, उसके लिए पूरा आ गया। आप उसके अंदर ऑयल डाल भी सकते हो और सेक्शन डाल सकते हो, ठीक है? दोनों, हाँ दोनों, ओके ओके ओके। और कुछ है वहाँ पे? नहीं, और तो कुछ ही, एक छेला इलेक्ट्रॉनिक आइटम एक बच गई हमारे पास, ये बहुत ही क्लास आइटम है, एक बार इसको इसको मैं बता देता, बता दो। देख अभी तरह ये जो आइटम है ना, इसको पावर बैंक बोलते हैं, ओके, जंप स्टार्टर बोलते हैं। अभी आपका कश्मीर जम्मू वहाँ पे इतना ठंडा इलाका रहता है कि आपका गाड़ी का बैटरी भी नया रहता है ना, तो भी वहाँ पे आपने आधा घंटा रखा तो बैटरी आपका हो जाएगा, ठीक है? और वहाँ पे आपका कोई कस्टमर आता नहीं है, अगर आएगा तो उसके पास जाएंगे तो आपको बड़ा सा बैटरी, दो जन, एक जन गाड़ी पे बैठा, एक जन पीछे बैठा, बैटरी लेके वहाँ पे गया, सेल मारेगा 500-600 रुपया मांगेगा एक सेल मारने का। अब उसके लिए इतना मगज मारे करना पड़ेगा। अभी ये जो चीज है ना, जो आपने एक चीज ले लिया आपका मैकेनिक भाई ने, एक अकेला बंदा ही जाएगा वहाँ पे। इसको मैं खोलता हूँ, पावर बैंक है, ओके, इतना बड़ा पावर बैंक, इसको आपने एक बार चार्ज कर लिया ना तो तकरीबन 10 से 12 सेल मार देगा, ओके, 10 से 12 सेल जी। और मेन चीज क्या है, मल्टीपर्पज आपके काम में, आपको लैपटॉप चार्ज करना, मोबाइल चार्ज करना है, सब चीज में मल्टीपर्पज सब काम में आ जाएगा। देख लीजिए आप, ये छोटा सा डिवाइस है एलईडी डिस्प्ले वाला, और इसका है ना ये जो एमएच है, ये तकरीबन है 19 वोल्ट, 12000 mAh, 12000 mAh का बैटरी है, और 3.5 एम्पीयर से 500 एम्पीयर तक का बैटरी जंप स्टार्ट करेगा, जंप स्टार्ट करता है। देखो दिया, बाइक भी कर देगा, बोर्ड भी कर देगा, ये आपका फोर व्हीलर भी कर देगा, और ये जो मैनुअल जो बाइक आता है वो भी कर देगा, ठीक है? इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, कंप्लीट पूरा इलेक्ट्रॉनिक है जी। ये मैंने एलईडी टॉर्च चालू कर दिया। दूसरा ऑप्शन, इमरजेंसी, अगर आप हाईवे पे हो, किसी को सिग्नल देना है कि यहाँ पे काम चल रहा है, आप दे सकते हो। ओके, तीसरा ऑप्शन, ओके ओके, ये पावर बैंक है, ये आपका खाली आपका 10 सेल या 12 सेल या 15-20 सेल भी मार देगा तो आपका पैसा सूट जाएगा। ऐसा चीज है, यार्टो कंपनी का, मेड इन पोलैंड का, ठीक है? ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक जी अभी तक यहाँ तक जो अगर व्यूअर्स पहुँच गए हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पर जाकर हमें फॉलो भी कर ले। ये सारे प्रोडक्ट आपको वहाँ पर भी मिलेंगे, मगर 15-30 सेकंड के ड्यूरेशन में आपको मिलने वाले हैं। तो फैजल भाई को अलविदा करते हैं आज के लिए, और आज फैजल भाई ने हमारे को बहुत सारा टूल बताया भी है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फैजल भाई, थैंक यू।